दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला पेंटा लेंस कैमरा वाला स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, ऐसे आसार तो दिख रहे हैं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं नोकिया 9 प्योर व्यू के बारे में। ये जो है दोस्तों पेंटा लेंस, यानी 5 लेंस, यानी 5 कैमरा है पीछे की तरफ। इसके हाई रेजोल्यूशन लीक्स और 360 डिग्री वीडियोज बाहर आ गए हैं, उसके ऊपर से 3-4 चीजें सामने आती है। सबसे पहले उसको नॉच नहीं है, ऊपर नीचे बेजल्स हैं, पीछे की तरफ 5 कैमरास है, क्लियरली दिखते हैं, और एक जो है राउंड है, हेक्सागोनल शेप, एक जो है वो फ्लैश है, बाकी ये 5 कैमरास हैं। तीसरी बात दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे भी नहीं है, आगे भी नहीं, इसका मतलब इन डिस्प्ले हो सकता है। चौथी बात दोस्तों, 3.5 mm जैक भी नहीं है, और अगर ये हाई रेजोल्यूशन लीक्स और इमेजेस आ गए हैं, इसका मतलब लॉन्च बहुत ही पास में है। अगले 2 या 3 हफ्ते में नोकिया 9 दिखने को जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों, आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभु देसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 253। 2-3 चीजें आज आपको बतानी है। एक तो दिवाली चालू हो रही है, और ऐसे पहली बार होगा कल और परसों जब न्यूज, जो टेक न्यूज है, वो नहीं आएगी। ऑब्वियसली थोड़ी छुट्टियां हमें भी चाहिए, जैन से लेके अब तक हमने एक भी छुट्टी नहीं ली है, स्पेशली टेक न्यूज के लिए, जब से चालू किया है तब से। 2 दिन तो बनते हैं। और एक बात दोस्तों, एक जबरदस्त वीडियो, टॉप फुल HD रेजोल्यूशन वाले स्मार्ट एंड नॉन स्मार्ट TVs अंडर 25,000, इसका वीडियो आज हमने बनाया हुआ है, जरूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। अगर टीवी बाय करना है, बहुत हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी तरफ से और हमारी पूरी ट्रैक इन टेक फैमिली की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शाओमी की तरफ से 3 खबरें आ रही हैं। सबसे पहला, देश का जो नया स्मार्टफोन है अब वो ओपन सेल में चला गया है। इसका मतलब Amazon पे एंड Mi.com पे जब चाहिए तब आप खरीद सकते हो Redmi 6A। दूसरी बात आई है सामने, नवंबर 20th को Redmi Note 6 Pro लॉन्च हो रहा है इंडिया में, ऐसे रूमर्स ही हैं, तो 100% Xiaomi ने नहीं कहा है, लेकिन बहुत सारे रूमर्स हैं, विच इज नियरली कन्फर्म, नवंबर में आ रहा है Redmi Note 6 Pro। हमने ऑलरेडी इसका रिव्यू किया हुआ है। अब वही जो दुबई या फिर मिडिल ईस्ट में लॉन्च हुआ था, इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ था Redmi Note 6 Pro के नाम से, वही इंडिया में आएगा या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन आप वीडियो जरूर देख सकते हो, ठीक ठाक है, थोड़ा सा ही अपग्रेड है Redmi Note 5 Pro के ऊपर। अब जब आएगा तब सब डिटेल्स जरूर दे देंगे। ब्लैक शार्क हेलो, जी हाँ, ये लेटेस्ट वेरिएंट है Xiaomi के गेमिंग फोन का, ब्लैक शार्क का, और ये ग्लोबल लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। इनफैक्ट ऐसे कहा जा रहा है कि नवंबर 9th को ग्लोबली लॉन्च होगा ये। उसकी जो वेबसाइट है, डेडिकेटेड वेबसाइट ब्लैक शार्क हेलो की, वो ऑलरेडी आ गई है। अगर आपको चाहिए तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हो आपका ईमेल एड्रेस, फिर वो नोटिफाई करेंगे आपको सब डिटेल्स ब्लैक शार्क हेलो के बारे में। लेकिन दोस्तों, ये एक अच्छा फोन है, 10 GB रैम वाला फोन होने वाला है, और इसका जो बेस वर्जन होगा वो अफोर्डेबल भी है, कुछ $450 या $460 है प्राइस, इसका मतलब कुछ 33,000-34,000 वही प्राइस में अगर इंडिया में आया तो। जब आएगा तो सभी डिटेल्स आपको जरूर दे देंगे। कल के ही न्यूज में मैंने कहा था कि माधव शेठ ने कहा है कि हमें प्राइस बढ़ानी पड़ेगी रियलमी के फोन्स की, और आज दिवाली हुई नहीं है, उन्होंने कहा दिवाली के बाद बढ़ाएंगे, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर जो पेजेस हैं उसके ऊपर से तो ऐसे दिख रहा है कि ऑलरेडी बढ़ा दी है। रियलमी 2 और रियलमी C1, इनकी प्राइस बढ़ गई है। रियलमी C1 जो है वो पहले 6999 का था, वो अब 7999 का हो गया है, इसका मतलब 1,000 रुपये बढ़ गया है। और इनका जो रियलमी 2 है वो पहले था 8999 का, अब उसकी प्राइस दिख रही है 9499। बढ़ गए हैं प्राइजेस ऑलरेडी, दिवाली अभी तक चालू नहीं हुई है या फिर दिवाली का पहला ही दिन है और रियलमी के प्राइजेस बढ़ गए। रियलमी की तरफ से और एक अब अच्छी खबर आ रही है, प्राइस बढ़ा वो तो इतनी खास खबर नहीं थी, लेकिन रियलमी 3 जो नवंबर में लॉन्च होने वाला है ऐसे कहा जा रहा है, फिर दिसंबर के पहले वीक में, माधव शेठ ट्विटर पे उन्होंने एक रिप्लाई कर रहे थे एक यूजर को, उन्होंने पूछा था कि क्या VOOC चार्जिंग जो ओप्पो के फोन्स में आता है वो रियलमी फोन्स में आएगा या नहीं, और माधव शेठ जी ने कहा व्हाई नॉट, इसका मतलब रियलमी 3 में बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि फास्ट चार्जिंग इन फॉर्म ऑफ VOOC चार्जिंग आएगा। एंड टाइम फॉर टुडेज डील्स, कुछ डील्स आज बहुत जबरदस्त है। सबसे पहले पेन ड्राइव, दोस्तों सभी को चाहिए होता है, बहुत जरूरत पड़ती है,
घूमते हैं बहुत सारे और हम लेते भी हैं, साल में दो तीन तो ले ही लेते हैं। तो सोनी का 16 GB का बहुत अच्छा पेन ड्राइव जो है वो आपको कुछ 700-800 रुपए को जनरली मिलता है, 269 रुपीज में मिल रहा है 16 GB का सोनी पेन ड्राइव। एक्सेलेंट डील, जरूर जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों लेनोवो आइडिया पैड, ये लैपटॉप i3, जी हाँ इंटेल i3, उसमें प्रोसेसर है, साथ में 4 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, 15.6 इंच की स्क्रीन। जनरली ये जो लैपटॉप है दोस्तों मिलता है आपको 30-31 हज़ार को, 30-31 थाउजेंड को, अभी मिल रहा है आपको डील में 21 थाउजेंड को, 25 थाउजेंड प्राइस है उसकी और 4 हज़ार कैशबैक मिल रहा है, 21 थाउजेंड में मिल रहा है, जैसे मैंने कहा लिंक नीचे है। एंड फाइनली ओवर द ईयर ईयरफोन्स, फ्लिपकार्ट का खुद का ब्रांड है स्मार्ट बाय, ये जो ओवर द ईयर हेडफोन्स है इसकी प्राइस जनरली 1000 रुपए है, अभी आपको मिल रहा है 599 रुपीज में, बहुत अच्छी डील। नवंबर में भी बहुत जबरदस्त फोन्स आ रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको 2-3 फोन्स के बारे में बता दिया है, और एक फोन जो आने वाला है, वैसे आपने हमारा अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वीडियो नहीं देखा है, अपकमिंग स्मार्टफोन्स ऑफ नवंबर सबसे पॉपुलर वीडियो होता है, जरूर देखिए, उसमें से एक है वावी का Mate 20 Pro। दोस्तों बहुत अच्छा लगा एटलीस्ट स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर सबसे पहले आई हुई हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऐसा है, और ये इंडिया में भी लॉन्च होगा क्योंकि दो चीजें सामने आई हैं, अमेजॉन का टीजर पेज आ गया है और उनके वावी के खुद के वेबसाइट के ऊपर उनका सपोर्ट पेज भी आ गया है, इसका मतलब नवंबर में Mate 20 Pro कन्फर्म। दोस्तों हमने तो पोल डाला नहीं, लेकिन 91 मोबाइल जी एक बड़ी वेबसाइट है, इनका एक कंज्यूमर सर्वे बाहर आया है, उन्होंने पूछा था कि स्मार्टफोन के उन्होंने 4-5 फीचर्स दिए थे, उनमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लगता है, सबसे ज्यादा मार्क मिले वाटरप्रूफिंग को, अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वाटरप्रूफिंग यानी आईपी रेटिंग, अनफॉर्चुनेटली दोस्तों बहुत कम फोन्स में आईपी रेटिंग आती है, पता नहीं क्यों, और बहुत सारे लोगों को ये चाहिए, सबसे ज्यादा 21% लोगों को, 19% लोगों को चाहिए क्विक चार्जिंग सपोर्ट, मतलब फास्ट चार्जिंग होना चाहिए, 15% लोगों को चाहिए दो चीजें, 15% लोगों ने कहा कि मेरे को फ्रंट फेसिंग फ्लैश चाहिए, एंड 15% लोगों ने कहा बेजललेस डिस्प्ले चाहिए, सिर्फ 11% लोगों ने कहा नॉच चाहिए, आपको क्या चाहिए ये कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और दोस्तों आपको मिला आज का ट्रेजर, नहीं मिला है तो जरूर देखिए, ठीक तरह से देखिए, आंखें फाड़ फाड़ के हमारी टेक न्यूज देखिए, अगर आपको मिलता है जरूर जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में #TTTH यानी ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट, ये डालिए #TTTH, साथ में टाइम स्टैम्प एंड स्पेसिफिकली बताइए आपको क्या दिखा, और अगर आप करेक्ट बताते हो तो आपको मिल जाएगा अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर, जी हाँ। और कल के हमारे ट्रैकिंग टेक न्यूज या फिर ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट के विनर है सीमांचला रेड्डी, कॉन्ग्रेचुलेशन सीमांचला जी, जरूर हमें ईमेल भेजिए, आपका जो अमेजॉन का आईडी है वो भेज दीजिए, बहुत ही जल्दी हम भेज देंगे आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। चलिए दोस्तों आज के हमारे ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड 253 इधर ही समाप्त होती है, अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है वो कीजिए, शेयर करना आपके हाथ में है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।